नीतीश के रोजा इफ्तार पर गिरिराज का तंज। नीतीश के रोजा इफ्तार में नहीं दिखे भाजपाई। हज हाउस में कराया था नीतीश ने रोजा इफ्तार। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही मनमुटाव। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद से ही जदयू और भाजपा के बीच तलखियां नजर आने लगी हैं। इस आग में अब बिहार के भाजपा नेता गिरिराज सिंह भी उतर आए हैं। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने आग में घी डालने का काम किया है। गिरिराज ने नीतीश के रोजा इफ्तार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में नीतीश कुमार पर सीधा हमला न करके तंज किया है। चार तस्वीरें लगाकर गिरिराज ने लिखा, कितनी खूबसूरत तस्वीरें होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्रि पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म से हम पिछड़ क्यों जाते हैं और दिखावे में आगे रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के हिस्से में जब एक मंत्री पद आया और नीतीश कुमार ने उसे मुस्कुरा कर ठुकराया, तभी अनुमान लगाया जा रहा था कि कुंभे में फूट और उभरेगी। नीतीश ने शपथ ग्रहण की शाम साफ कर दिया था कि जो प्रस्ताव बीजेपी दे रही थी वो उन्हें मंजूर नहीं था। जदयू ने 16 सीटें जीती और राज्यसभा में उसके 6 सांसद हैं। जब 2 जून को उन्होंने हज हाउस में इफ्तार का आयोजन किया तो भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा वहां नहीं दिखाई दिया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के साथ जीतन राम मांझी भी नीतीश के रोजा इफ्तार में पहुंचे थे। गिरिराज ने इसी रोजा इफ्तार को निशाना बनाते हुए नीतीश पर तंज कसा है।